आपको लगता है कि ये जो जागरूकता अभियान आपके हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं नहीं बदल रहा है, तो क्या ये जागरूकता अभियान उसमें काफ़ी होंगे या ना काफ़ी पीछे से? देखिए, अगर पानी की बूंद भी पत्थर पर पड़ती है, लगातार पड़ती रहती है, तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो हम प्रयास तो करेंगे ही, समाज में कुरीतियाँ सदियों की समाज के विघटन के कारण आई हैं, उनको सुधरने में संवरने में भी तो समय लगेगा। ऐसा तो नहीं कि अगर हम सोच लें ये इतनी बड़ी हैं तो हम प्रयास ही ना करें। प्रयास तो करना है, तो हम प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल इनमें सुधार आएगा। महिलाओं की बात आती है तो लोग अक्सर, समाज जो हमारा है, जो पुलिस प्रधान है, वो औरतों पर ही उंगली उठाता है, इसको कैसे दूर किया जाए? आप लोगों के सहयोग से और हम लोगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, इसमें महिलाओं को शिक्षित करना, उन्हें स्वावलंबी बनाना और उनके जो सेल्फ, उनका रेस्पेक्ट है, उसकी रेस्पेक्ट करना, इसके द्वारा ही हम इसमें परिवर्तन लाएंगे। एक समय के बाद धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे किसी चीज़ का, जब आप पौधे को लगाते हैं तो एक छोटी सी जड़ होती है, फिर उसकी शाखाएं बनती हैं, फिर उसमें पुष्पित और पल्लवित होता है। इसी प्रकार ये अभी इनिशियल स्टेज में है, धीरे धीरे इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे और प्रयास होगा तो ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। मेरी अप्रोच पॉजिटिव है और होगा, ऐसा अनुमान है। महिलाओं को ही क्यों इज्जत का पर्याय माना जाता है समाज में? ये पुरानी हमारी जो सामंतवादी सोच रही है, चूँकि हम उस व्यवस्था से जुड़े रहे हैं जहाँ सामंतवाद हम लोगों पर हावी रहा है, संयुक्त परिवार के बहुत सारे फायदे थे, पर एक ये उसकी निगेटिविटी थी कि जहाँ एक मान सम्मान से जोड़ दिया जाता था कि महिला के साथ यदि कुछ होता है तो वो एक परिवार के मान सम्मान का हनन होता है, उस महिला को क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको सोचे बिना सिर्फ अपनी तथाकथित एक नाक की बात जिसको आप कह रहे हैं वो सोची जाती थी, पर अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल का महत्व है, उसकी अपनी एक सोच है, उसका एक अपना अस्तित्व है, और जब इस हम व्यक्तिक इस अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो शनि शनि परिवर्तन होते होते वो स्थिति ज़रूर आएगी कि जब ये सोच समाप्त हो जाएगी। घरेलू हिंसा की बात करूंगा मैं, अभी भी हिचक है लोगों में, जो महिलाएं हैं घर की अभी भी हिचकती हैं, बिल्कुल प्रताड़ना सहती हैं जी, उनको जागरूक करने की क्या ज़्यादा? देखिए, वो आर्थिक, जब तक आर्थिक शक्ति उनमें नहीं आएगी, जब तक वो किसी पर निर्भर हैं तब तक ये समस्याएं होंगी। यदि आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बना दिया जाए महिलाओं को, तो निसंदेह इस स्थिति से वो काफ़ी हद तक उभर जाएंगी। आपने जो काउंसलिंग का वो शुरू किया है, इसका कितना फायदा मिल रहा है? काफ़ी फायदा है इसमें हमारे, लगभग अगर हम अभी जब से मैंने देखा है 74 में से लगभग 60-62 हमारे जो हुए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आज लोग अपने मतैक कितने बढ़ा लेते हैं कि मतभिन्नता हो जाती कि कहीं मतैक के नहीं हो पाता उनका, और जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है बात करने का तो उनको महसूस होता है कि ऐसी गलती अगर दूसरे से भी होती तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसमें धीरे धीरे जब उनको 2-3 सिटिंग्स हो जाती हैं तो अधिकांशतः लोग अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और फिर वो उस पर राजी हो जाते हैं और दोनों के बीच संबंध नॉर्मल हो जाते हैं। हम इसमें लेटर ऑन फॉलोअप भी रखते हैं कि अगर किसी का समझौता हो गया है तो 3 महीने बाद उनको फिर बुलाते हैं, या किसी में आवश्यकता है तो 1 महीने बाद बुलाते हैं, फॉलोअप भी लेते हैं। तो हमने पाया है कि वो एक प्लेटफॉर्म दे दें अगर हम बात करने का, क्योंकि पहले देखिए मध्यस्थता हुआ करती थी संबंधों में, अब मध्यस्थ कोई नहीं है, एकल परिवार है, पति पत्नी अकेले रहते हैं, दोनों में अगर यदि कोई बात आ जाती है तो तीसरा कोई नहीं होता जो उनके बीच में बीच बचाव कर सके, उस प्लेटफॉर्म को हम प्रोवाइड करते हैं।